तो यहाँ तक हमने फिश को बना लिया था, अब हम आगे बनाते हैं। इस फिश फिश के इस फिन को हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी सेम यही पैटर्न हम इधर भी यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी हम डबल लाइंस बनाएंगे, बहुत ही आराम आराम से इस पेंटिंग को बनाएं। डबल लाइंस जो होती है हमारी मधुबनी पेंटिंग की खासियत होती है, जो कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। अगर आप स्टार्टिंग में मधुबनी पेंटिंग बना रहे हैं तो पहले आप स्केल और पेंसिल का यूज़ करें बनाने में। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके हैंड फ्री होते जाएंगे बनाते बनाते, तब आप फ्री हैंड से भी इस आर्ट को बहुत आसानी से बना सकते हैं। सारे फिन्स को हम इसी तरीके से बना लेंगे। आप मेरे वीडियोस को फॉलो करके इस पेंटिंग को बहुत आसानी से बना सकते हैं, तो आप इस पेंटिंग को ज़रूर ट्राई करें। ये पेंटिंग कोई भी बना सकता है। ठीक है, तो हमने फिन्स इधर बना लिया और इधर बना लिया। अब ये बाकी रह गए, तो हम इन्हें बना लेते हैं। तो आपको अगर ये पेंटिंग अच्छा लगे तो ये पेंटिंग को ज़रूर ट्राई करें। तो इस तरीके से हम डबल लाइंस भी डाल देंगे। तो इस तरीके से हमने फिन्स भी बना लिया। मैं ये भी बना के बता चुकी थी आपको, तो इसका डबल लाइंस सिर्फ बाकी रह गया था, तो इसके ऊपर हम डबल लाइंस बना देते हैं। और इधर भी डबल लाइंस बना देते हैं। अब हम जो ये इधर से जो फ्लावर निकला हुआ है, अब इसे हम बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप भी पहले पेंसिल से बना लें, उसके बाद इसे ब्लैक कलर से आउटलाइन करें। ब्लैक कलर से आउटलाइन करने के बाद इसमें कलर भरें। इस तरीके से पत्ते बना लेंगे। आप देख सकते हैं, तो हमने ये फिश को बना लिया है। अब हम इधर के जो डिज़ाइंस हैं उन्हें बनाएंगे और ये वाले डिज़ाइंस बनाएंगे। ठीक है, तो ये डिज़ाइंस आपको कुछ हद तक मंडला आर्ट से भी मिल रहा होगा, तो कोई बात नहीं। हमें पेंटिंग ऐसे बनानी है जिससे ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। ठीक है, तो यही क्रिएटिविटी होती है कि हमें ऐसा कुछ बनाना है जो आपको भी अच्छा लगे और दूसरों को भी अच्छा लगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में।